नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक किताब होती तो आपके लिए भी आसान होता, लेकिन जब कोई लेखक रचते रचते संसार में से संसार खड़ा कर देता है, तब उस लेखक के पाठक होने का काम भी मुश्किल हो जाता है। आप एक किताब पढ़कर उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। जो लेखक लिखते लिखते समाज में अपने लिए जगह बनाता है, अंत में उसी के लिए समाज में जगह नहीं बचती है। इसके बाद भी उसका लिखा ही है जो उसे भूल जाने वालों के बाद तक टिका रहता है। राग दरबारी के 50 साल हो चुके हैं। जाहिर है, लेखक के चले जाने के बाद किताबें पाठकों को खोजती रहती हैं, अपना सफर तय कर लेती हैं। ऐ लड़की, जिंदगी नामा, मित्रों मर जानी, हम हशमत, दिलो दानिश, सूरजमुखी, अंधेरे के डार से बिछुड़ी, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक, मुक्तिबोध, मार्फत दिल्ली, लेखक का जनतंत्र, चन्ना, इन सब किताबों उपन्यासों के नाम जानने के बाद अगर आप पढ़ने की सोचेंगे तो इतना यकीन से कह सकता हूं कि आप पछताएंगे नहीं। आपको लगेगा कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। आप ताजगी से भर जाएंगे, आपके भीतर का इतिहास बोध उड़ान भरने लगेगा। तब आप चाहेंगे कि लेखक से भी मिला जाए, सुना जाए, अगर अफसोस, मगर अफसोस अब ये नहीं हो सकेगा। 94 साल तक लिखने से लेकर बोलने के मोर्चे पर सक्रिय रहकर गई हैं। 92 साल की उम्र में उनकी 4 किताबें आई थीं। जिसने भी उन्हें पढ़ा सुना यही समझकर लौटा कि एक लेखक का जमाना देखा है। 25 जनवरी की सुबह कृष्णा सोबती का निधन हो गया। उनके पास जो भी था उसका बड़ा हिस्सा आने वाले लेखकों के लिए ट्रस्ट बनाकर छोड़ गई। अपनी बचत, अपना मकान, सब आप पाठकों और लेखकों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के 11 लाख और 1 करोड़ की बचत और अपना मकान ट्रस्ट को दे गई हैं। इसे लेखकों के लिए एक घर बनेगा जिसका नाम होगा जिंदगीनामा। उनकी रचनाएं हंगामा खड़ा करती रही हैं, मगर उनकी विदाई आज चुपचाप हो गई। उन्हें अफसोस भी नहीं होगा। उन्हीं के इंटरव्यू की एक पंक्ति है, मेरे परिचित ज्यादा हैं, दोस्त कम हैं। अशोक वाजपेयी ने कहा है कि सोमवार को 4 बजे दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में स्मृति सभा होगी। खूब सारी लड़कियां हैं कृष्णा सोबती की रचना संसार में। आजाद भारत के पहले के भारत में पैदा हुई थीं, हॉकी खेलती थीं और स्केटिंग करने का बहुत मन करता था। 93 साल की उम्र में जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति के हाथों तो लेने नहीं जा सकी। जिन्होंने कृष्णा सोबती को देखा, उनकी नफासत को भी देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में भी और रंगीन तस्वीरों में भी। कृष्णा सोबती अलग से पहचानी जाने वाली लेखिका थी। अनामिका से बातचीत में कहा है कि ताल कटोरा गार्डन में हॉकी खेलती थी, फैंसी एड़ीदार जूते पसंद थे, शेफर की कलम से लिखा करती थी, जीवन भर गरारा पहना। अब कहां इस दिल्ली में कोई गरारे में दिखता है। बाद के दिनों में वे अपने लिए लंबा कुर्ता डिजाइन कर पहनने लगी। कृष्णा सोबती ने कहा कि मेरे आलोचक कहते हैं कि मैं अपने लेखन में जीवन का उत्सव मनाती हूं। मेरा यकीन डर और निराशा में नहीं है, बल्कि जीवन को जैसा मन कहे वैसे जीने में है। इसलिए मैंने उनके कपड़ों और खेल के बारे में बताया कि लेखक को जीना भी पड़ता है। झक्की स्वभाव की भी थी, मगर मना लेना किसी के लिए आसान नहीं था, उन्हें रोक लेना भी आसान नहीं था। निरंजन देव शर्मा ने उनसे बचपन के बारे में पूछा तो कहा कि मैं 2025 में पैदा होती तो इस सदी की ग्लोबल दुनिया को जी भरकर जी लेती, अपने काम धंधे को किसी विज्ञापन एजेंसी को सौंप देती, दूसरों को उखाड़ने पछाड़ने पर लग जाती, इसकी निंदा करती, उसकी बदखोई, इसे खदेड़ उसे उधेड़। जाहिर है वे ऐसा नहीं करती, मगर इसी बहाने उन्होंने दुनिया को आईना भी दिखा दिया। पाकिस्तान के गुजरात में पैदा हुई थी, इसलिए उनकी रचनाओं में अपना सब कुछ छूट जाने का दर्द है, मगर वो तरस खाने वाला दर्द नहीं, इतिहास को इतिहास की तरह छोड़ जाने का दर्द था। आप इन तस्वीरों से एक ऐसी लेखिका को देख रहे हैं इन तस्वीरों में, जो तमाम तूफानों के बीच हंसते खेलते गुजर जाती थी। दिल्ली में एडल्ट एजुकेशन विभाग में काम किया, हमारा गांव हमारा शहर नाम की 2 पत्रिकाओं की संपादक थी। आज की लेखिकाओं को रश्क होता होगा कि काश वे कृष्णा सोबती होती। अशोक वाजपेयी को हमेशा मलाल रहता है कि हिंदी का समाज अपने महान रचनाकारों को सेलिब्रेट नहीं करता है, जश्न नहीं मनाता। कृष्णा जी को खुद से ये शिकायत नहीं थी। 93 साल की उम्र में भी वो लिखती रहीं, 94 साल की उम्र तक लिखती रहीं। गोविंद पंसारे, एमएम कलबुर्गी और अखलाक की हत्या के बाद दिल्ली में लेखकों की प्रतिरोध सभा हुई। 2015 में भी गईं, 2016 में भी गईं। इस प्रतिरोध सभा में कृष्णा सोबती तब जब गई थीं तो 91 साल की उम्र में व्हील चेयर पर आई थी। ओम थानवी के आग्रह पर गईं और अपना पर्चा पढ़ा, बाद में छपवाया भी, बंटवाया भी, लेखक सत्ता और संस्कृति और नागरिक के नाम से। और सुनिए इनका भाषण का कुछ हिस्सा। हम विनम्र भारत के प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि वो कृपा करें, इसे हमें ये तो बताएं कि
कि ऐसा शब्द इस्तेमाल करने वाले हम लोगों को क्या उन्होंने बताया, हम लोगों को एक गहन करके शब्द बुलाने वाले उन लोग बिचारे राइटर बिचारे लेकर जो अपने अनुशासन को खूब अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ, एक बहुत अच्छा लेखक होने के नाते कि देखिए आजादी के बाद जो हाईटेक हमारा नैरेटिव था और हाई कास्ट हमारा नैरेटिव था और लो कास्ट नैरेटिव था, उसकी दूरियां काफी कम हुई हैं। हम क्या उसकी दूरी फिर बुला सकते हैं? आप हमारी भारतीय भाषाओं के अच्छे से नॉवल कोई भी नॉवल उठा के देखिए, आपको एक ऐसी जिंदगी मिलेगी गुथी हुई जिसको आप देख के महसूस करेंगे कि ये भारत की लेखन है, ये भारत का लेखन है, क्योंकि वो उसको प्रतिद्वंदित करता है और उसको प्रतिष्ठित भी करता है। अजीब बात है कि इस वक्त में भी हमारे अग्रणी कौन है ये हमें मालूम नहीं है, हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं, हम बहुत देर से जानते हैं, जबकि गांधी को मार के गिरा दिया था आजादी के बाद। आज हम इतिहास को पौराणिक बनाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने एक भाई ने कहा, और पौराणिक को हम इतिहास बना रहे हैं, हम अंधविश्वास बना रहे हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वो आपके घर के अंदर आपकी शख्सियत के अंदर खुल चुकी है और आप एक नई संस्कृति दोबारा से लोगों को बता रहे हैं जो उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में पिछली सदियों में भी इतने समझौते नहीं हुए, इतनी समझ तो नहीं है उन्हें कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों हमारे देश का ताना माना, इसकी वैचारिक संस्कृति और गहराई और प्रखरता के लिए हम विश्व प्रसिद्ध है। ये हम लेखक नहीं कह रहे, हम अपने दर्शकों की बात कर रहे हैं, अपने उत्सुकों की बात कर रहे हैं। विविधता के हितकत्व की लोक धर्मी गहरी मानवीय संवेदनाओं को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक खतरों का वक्त है, ये मुठभेड़ और मुंहजोर का वक्त है जो हम पे जाना जा रहा है। कृष्णा सोबती को लाखों लोगों ने पढ़ा सुना और मिले पुरस्कारों की सूची किताबों की तरह लंबी है। लेखक का जनतंत्र एक किताब है, उसमें गिरधर राठी के एक सवाल में कहती हैं कि एक सवाल के जवाब में कि याद रहे इतिहास को दोबारा लिख लिख कर उसके शब्दों में फेर बदल कर आप जातीय या राष्ट्रीय दुर्बलताओं को उपलब्धियां बनाकर गौरव गान करना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है। याद इतना रहे कि इतिहास का पुनर्लिखन एक ऐसी राजनीति है जो दिलों में घृणा विक्षोभ और वैमनस्य के अंबार जुटाती है और मौका देखते ही आग सुलगाकर लपलपाने लगती है। गुजरात से गुजरात तक, विभाजन से लेकर अपने 90 साल की उम्र के वर्तमान उम्र के वर्तमान में उन्होंने तमाम दंगों को देखा, और ये इशारा किसी के लिए भी काफी है, किसी समझदार लेखक का आपके लिए भी। कृष्णा सोबती ने इशारों में नहीं बल्कि अपनी बात साफ साफ कही। किसी भी विचारधारा का प्रभुत्व की हेकट पट्टी पर अगर छूटे तो राजू में एक पंडड़े में संदूक जी हो और दूसरी में बंदूक जी हो तो आप लोकतंत्र के मूल्यों का आनंद देख सकते हैं। जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किस कदर होता है, इसमें अदालत और मीडिया से लेकर आपका समय कितना बर्बाद होता है, कभी इसका हिसाब कीजिएगा। याद कीजिएगा 2015, 16, 17 के साल में आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी तो उनके इन सालों के दौरान उनके विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक पर कितने आए दिन केस होते रहते थे और उसे लेकर टीवी पर बहस होती थी। जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से ये पॉलिटिकल फिक्सिंग का खूब खेल चला। जिन समस्याओं में आपकी मुद्दे होने चाहिए चर्चा होती उन समयों में
जांच एजेंसियों के दर्ज फर्जी मामलों पर बहसें होती रहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 33 विधायकों पर करीब 111 केस दर्ज हुए या मामले बने। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने बताया कि 64 मामलों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य विधायक बरी हो चुके हैं। 111 में से 10 मामले मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया पर दर्ज हुए थे। ये मानहानि के केस थे। 4 माफी मांगकर खत्म हो गए, 4 में कोर्ट ने बरी कर दिया और 2 अभी लंबित है। 111 में से मात्र 2 में अभी तक सजा हुई है। क्या 111 मामले जैसे तैसे दर्ज कर दिए गए? अदालत को ये बात देखनी चाहिए कि जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से ये काम क्यों इतना अधिक हो रहा था। इस कारण एजेंसियां भी अपना मूल काम नहीं कर पाईं। साधारण लोगों के केस सालों से अटके रहे। राजनीतिक केस दर्ज कर मामले को हाई फाई बनाकर टीवी में डिबेट करने के लिए मामला पहुंचाया गया, तो हमारी रणनीति राजनीति कहां पहुंच गई है? आप ज़रा YouTube में जाइए और 2016-17 के साल में इन केस के दौरान होने वाली बहसों को सुनिए। आपको पता चलेगा कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर आपको किस कदर बेवकूफ़ बनाया गया और देश की समय की बर्बादी की गई। ये सारे केस विधायकों पर वर्षों तक लटके रहते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में यह आदेश ना दिया होता कि पूरे देश के सांसदों और विधायकों के खिलाफ जितने भी केस हैं उनका निपटारा 1 साल की अवधि में किया जाए, इसके लिए सभी राज्यों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर दिया था, जो पहले थोड़े समय के लिए आम आदमी पार्टी में भी थे। अब उनकी मेहनत का लाभ सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ही मिल गया, क्योंकि इसी आदेश के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर 2 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना और इसकी सुनवाई में ज्यादातर मुकदमे खारिज होने लगे। तो आप बता रहे हैं कि ज्यादातर मामले जो हैं उसमें डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। ज्यादातर मामले में, क्योंकि झूठा केस है, ऐसे मामले हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जिस मामले में इतनी हाइतौबा मचाई गई उस वक्त कि पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया गया हो, वहां पे कोर्ट ने कहा कि ये जुर्म बनता नहीं है, केस चलाने के लिए भी जो है वो काफी नहीं है। सबूत कौन सा आप केस का? मैं आपको बताता हूँ, आप अगर याद करें तो हमारे एक विधायक जो हैं वो गुलाब सिंह, उनको गुजरात में से उठाकर ले आए यहाँ पे, पता नहीं क्या मामला है, एक्सटॉर्शन है, इतना बड़ा मामला बता दिया और पूरे हर जगह। 2016 में, और उस मामले में आज 3 साल बाद हम बैठे हुए हैं, आज तक कोई चार्जशीट नहीं है। अगर इतना बड़ा मामला था, इतना संगीन अपराध था, तो उसमें दिल्ली पुलिस चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी अभी तक? और दूसरा मैं आपको बताऊं, यही नहीं, इसके अलावा और भी ऐसे मामले हैं। जैसे आपने अभी पीछे आपने सुना, हमारे एक विधायक है नरेश, उनके खिलाफ पंजाब पुलिस आके दिल्ली उनको दिल्ली से उठाकर ले गई और उस मामले में वो बरी हो गए। तो ये भी शायद 2016 का ही मामला होगा, 2016 का मामला है। तो ये जो एक प्लान तरीके से आम आदमी पार्टी के इसमें बरी हो गए जो हो गए वो, अच्छा। तो ये एक प्लान तरीका था कि जिस तरीके से इनको जो है इन सारे केस मुकदमे में उलझा दो और कोई इस तरीके का करो ताकि इनको ये कार्य आगे ना कर पाए। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ही लोकसभा चुनाव के प्रचार में कहा था कि उनकी सरकार आई तो 1 साल के भीतर सारे केस निपटाए जाएंगे, चाहे उनकी पार्टी के ही सांसद क्यों ना हो, केस चलेगा और जिन लोग जेल जाएंगे। मगर उन्होंने अपनी तरफ से इस मामले में कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहे हैं तो क्या अब हर छापे को, हर नए केस को राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा? इस रिकॉर्ड को देखते हुए क्यों नहीं देखा जाएगा? 5 साल बीत गए मगर वाड्रा केस में भी क्या हुआ? लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संबंधित घरों और ठिकानों पर छापे पड़े। कथित रूप से जमीन घोटाले के मामले में 20 जगह छापे पड़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद रैली के लिए रवाना होने वाले थे कि CBI के अफसरों की टीम पहुंच गई। बीजेपी नेता GBL नरसिम्हा राव ने तुरंत ही इसे रॉबर्ट वाड्रा केस से जोड़ दिया, जबकि जिस केस में छापे पड़े उसकी FIR में वाड्रा का नाम तक नहीं है। GBL की बात को इससे जोड़ा जाने लगा कि प्रियंका गांधी की राजनीति में आने की घोषणा के 48 घंटे भी नहीं हुए कि ये छापे पड़ने लगे। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जब कोई राजनेता चुनाव प्रचार के लिए निकल रहा हो तभी उसके घर पर छापे क्यों पड़ते हैं? क्या यह राजनीतिक कार्रवाई नहीं लगती है? अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक ने इस छापे को राजनीतिक कार्रवाई बताया है। ये कोई पहले भी किया, इन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध से ये हो रहे हैं, ये समझते हैं ऐसी बातें करके मेरी आवाज दबा सकेंगे। मेरी आवाज नहीं दब सकती, मैं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ, हर लड़ाई लड़ेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है जुडिशरी पर, देश की तरफ दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है ये जनता लगातार जान चुकी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हुड्डा जी के लिए
और हरियाणा में कांग्रेस के लिए उनकी असली स्वरूप क्या है ये देश के सामने लाना एजेंसियों का काम है। उनकी वो अपनी कर्तव्य को निभा रहे हैं तो हम उनके समर्थन करते हैं, यदि गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए झेलना पड़ेगा। इस सरकार की नीयत और सोच खराब है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनकी ये कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, इस देश में कानून का और संविधान का राज है। जो मामले अदालतों के अंदर हैं, चाहे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उसके बाद ये छापे किस लिए? और पहली बार ये नहीं हुआ, 1.5 साल पहले भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, निरंतर बार बार। इससे क्या संदेश प्रधानमंत्री देना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार? विपक्ष तो सीबीआई पर सवाल उठाता ही है, अब वित्त मंत्री जेटली ने भी सीबीआई पर सवाल उठा दिया है। आप जानते हैं कि 24 जनवरी को सीबीआई ने आईसीआईसीआई और वीडियोकॉन मामले में चंदा कोचर के खिलाफ एफआईआर किया। इस पर सवाल उठाते हुए जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है, ऑपरेशन कराने गए मगर ब्लॉग लिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचरिज्म यानी जांच के रोमांच और पेशेवर जांच में बुनियादी अंतर होता है। जांच के रोमांच में जाल बहुत बड़ा कर दिया जाता है जिसमें वे लोग भी चले आते हैं जिनका कोई गड़बड़ी करने का साझा इरादा तक नहीं होता, और ये सिर्फ अनुमान के आधार पर या ऐसे सबूतों से हासिल नतीजों के आधार पर किया जाता है जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद मीडिया लीक किया जाता है, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाई जाती है और इसकी वजह से अंततः एजेंसियों को फटकार मिलती है, किसी को सजा नहीं। इसकी वजह से पीड़ित बर्बाद हो जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनके पैसे सब चले जाते हैं, लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है। बड़ा भावुक हो गया मैं इसे पढ़ते हुए। जिस को सीबीआई ने परेशान किया वो अरुण जेटली से तुरंत संपर्क करें ब्लॉग लिखने के लिए। जब मैं ये उनके ब्लॉग का हिस्सा पढ़ रहा था तो लग रहा था कि नीचे तस्वीर आम आदमी वाले भी चला देते तो उस पर भी लागू हो जाता कि किस तरह से 64 केस बरी हो गए, छूट गए। क्या वित्त मंत्री सीबीआई की जांच में दखल नहीं दे रहे हैं? बैंक फ्रॉड के आरोपी के पक्ष में ब्लॉग लिखने का क्या मतलब है? क्या उन्हें अपनी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं, वो भी बीमार हालत में? तो क्या सीबीआई विपक्षी नेताओं के मामले में भी इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचरिज्म कर रही है, यानी मौज मस्ती के लिए कभी हुड्डा तो कभी अखिलेश के यहां खिलाफ केस कर रही है? जेटली ने लिखा है कि हमारे जांचकर्ताओं को मेरी सलाह है कि महाभारत में अर्जुन की सलाह याद रखें, कमाल है, बस मछली की आंख पर फोकस रखें। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सीबीआई वाले डायरेक्टर झगड़ रहे हैं, इतना सारा होने के बाद भी सीबीआई मछली की आंख पर फोकस नहीं कर रही है? उसको वित्त मंत्री का ब्लॉग पढ़ना पड़ेगा कि जांच एजेंसी का काम करना पड़ेगा? इंडिया में हो क्या रहा है? आपने पिछले दिनों डिजिटल इंडिया के नारे सुने होंगे, कैशलेस इकोनॉमी की बात सुनी होगी, कागज बचाने और पेड़ बचाने की भी इसमें तर्क आ गए। जब चुनाव प्रचार से लेकर खाते में कैश ट्रांसफर डिजिटल तरीके से करने के दावे किए जा रहे हैं तब लोगों को पत्र भेजने के लिए 90 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए? सिंपल सोचिए, यह सवाल पूछने से कोई फायदा हो तो ही पूछिए। भारत सरकार की तरफ से 7.6 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री पत्र भेज रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें आयुष्मान भारत बीमा योजना का कार्ड मिला है। हमारी सहयोगी स्नेहा ने इसकी रिपोर्टिंग की है। स्नेहा का कहना है कि कई सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि हर चिट्ठी पहुंचनी चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं। कोई भी पत्र बैरंग ना लौटे, यानी मिले जिस पावती को, पहले चिट्ठियां जिले में जाएंगी और फिर वहां से हर लाभार्थी के पास। ऐसी 2 लाख चिट्ठियां तिरुवनंतपुरम पहुंची हैं, 2 लाख पलक्कड़ पहुंच गई हैं, जिन्हें 3 दिनों के भीतर बांटने हैं। तो जितने भी डाकिया प्राइम टाइम देख रहे हैं हमें बताएं कि उनके जिले में कितने कितने पहुंच रही है, और जिनकी सैलरी नहीं बढ़ी है ग्रामीण डाक सेवा खासकर वो बताएं। एक चिट्ठी की छपाई में 2 रुपए का खर्चा, भेजने पर 12 रुपए का खर्चा, इस तरह सारे खर्चे को जोड़ लें तो कोई और चूक ना हो तो यह राशि 90 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। आयुष्मान भारत के सीईओ का कहना है कि यह सबसे सस्ता तरीका है, हमने इसके जरिए 50 करोड़ लोगों को संपर्क किया है। यह खर्चा आयुष्मान भारत के बजट से नहीं है बल्कि प्रशासनिक बजट से लिया गया है। इस पत्र में 8 योजनाओं का जिक्र है और प्रधानमंत्री का संदेश भी, जिसमें वे अपनी गरीबी के अनुभव का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि गरीबों के लिए क्या क्या किया है। हाल ही में खबर आई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्विंट में छपा था कि बड़ा हिस्सा प्रचार में खर्च कर दिया गया। इसके पहले खबर आई कि मोदी सरकार ने विज्ञापन पर अपने कार्यकाल के दौरान 4.5 साल में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को जनता तक पहुंचने के लिए 100 रैलियां करनी पड़ रही है,
पूरा जनवरी फरवरी बिजी रहेंगे। आचार संहिता लागू होने से पहले ये रैलियां सरकारी मानी जाएंगी। अब हमें नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री की एक रैली के आयोजन पर कितना खर्च आता है, 100 रैली का कितना खर्च होगा। ब्रेक के बाद ये सारा देखिए आप। अब ब्रेक के बाद हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों को एक चैलेंज देने वाला हूं, फेल हो जाएंगे पक्का बताता हूं। रिसर्च का चैलेंज देने वाला हूं, लेकिन प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देकर क्या सरकार ने मेजर ध्यानचंद के लिए भारत रत्न की मांग करने वालों को चैलेंज दे दिया है? प्रणब मुखर्जी के साथ साथ दिवंगत नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न दिया गया है। तो ब्रेक के बाद हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर तैयार रहे। झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षा कराने वाली संस्था झारखंड लोक सेवा आयोग का भी हाल ले लिया कीजिए। इस आयोग ने 17 अगस्त 2015 को जिस परीक्षा का विज्ञापन निकाला था वो आज तक पूरी नहीं हुई है। इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आके रिसर्च करना चाहिए कि कैसे भारत के ये आयोग एक परीक्षा कराने में 4-4 साल खपा देते हैं और नौजवानों को फंसा के बर्बाद कर देते हैं, और वो नौजवान भी हिंदू मुस्लिम में टाइम लगाए रहते हैं, भारत को विश्वगुरु भी बना देते हैं। इस चमत्कार को समझना है तो हार्वर्ड ही नहीं ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर को भी एक ही जहाज में बैठकर रांची आना होगा। 17 अगस्त 2015 को 6ठी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा का विज्ञापन निकलता है, उसके बाद फरवरी 2016 में विज्ञापन रद्द हो जाता है। फिर 6 अक्टूबर 2016 को 326 पदों के का विज्ञापन निकलता है। 18 दिसंबर 2016 को इसकी प्रीलिम्स परीक्षा होती है प्रारंभिक। 23 फरवरी 2017 को 5138 छात्रों का रिजल्ट निकलता है, मामला कोर्ट में जाता है और 965 लोगों का और रिजल्ट निकलता है। इस तरह टोटल रिजल्ट निकला प्रीलिम्स का 6103। इस परीक्षा का विज्ञापन निकला था कब? अगस्त 2015 में। नवंबर 2017 में मेंस की परीक्षा का डेट निकलता है, मगर कैंसिल हो जाती है वो परीक्षा। फिर आदेश आता है कि मेंस की परीक्षा 29 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2018 के बीच होगी, लेकिन यह परीक्षा भी टल जाती है। इस तरह 2.5 साल समाप्त हो जाते हैं। कार्मिक विभाग कहता है झारखंड सरकार का कि लोकसभा झारखंड लोकसेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण और 15 गुना रिजल्ट निकालने की शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए परीक्षा स्थगित कर दी हमने नतीजों को। जबकि कार्मिक विभाग ने ही कहा कि बिना इन शर्तों को पालन किए भी रिजल्ट निकाल दो। दो विभागों की तनातनी में छात्रों का जीवन बर्बाद, हिंदू मुस्लिम डिबेट कामयाब। 6 अगस्त 2018 को 34,634 छात्रों का रिजल्ट निकलता है, यह पीटी का रिजल्ट है। 3 साल में सिर्फ पीटी की परीक्षा पास करा पाया है यह आयोग। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले फेल ना हो जाए तो मैं कहता हूं कि मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे यह मामला फिर से कोर्ट में चला गया। 28 जनवरी को 34,634 छात्रों की परीक्षा होनी है, मगर 16 जनवरी तक कोई पता नहीं था इसका। 11 दिन पहले आदेश आता है कि 28 जनवरी को मेंस की परीक्षा होगी। अब इसे लेकर छात्र विरोध करने लगते हैं। उनका कहना है कि ऐसे छात्रों को भी एडमिट कार्ड मिल गया जिन्होंने मेंस की परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा था, और जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला। फॉर्म में भाषा का चयन कुछ और था और एडमिट कार्ड में कुछ और लिखा आया। नियम है कि जितनी सीट की परीक्षा होगी उसका 12 से 15 गुना रिजल्ट निकलेगा, मगर इस परीक्षा में 106 गुना रिजल्ट निकल गया है। अगस्त 2015 से इस परीक्षा की तैयारी में खप रहे लाखों नौजवानों पर अगर हार्वर्ड वाले रिसर्च नहीं करते हैं तो समझिए कि वो बेकार यूनिवर्सिटी है, किसी काम की नहीं है। छात्र बहुत बेचैन है, जाहिर होना भी चाहिए। जिंदगी अब बर्बाद हो गई है तो अब नहीं होंगे तो कब होंगे? कितना हिंदू मुस्लिम देखेंगे? झारखंड के अखबारों में खबरें छपती रहती हैं, मगर इन्हें बर्बाद करने का प्रोजेक्ट बंद नहीं होता है। आप ही बताइए कि किसी परीक्षा को अगर संपन्न होने में 4-4 साल लगेंगे तब भारत के टेलीविजन पे 4 साल हिंदू मुस्लिम नहीं चलाएंगे तो क्या चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये बर्बाद हो गए हैं? बताइए, आयोग के जो स्टाफ हैं, अब ये ध्यान से सुनिए, जो आयोग के स्टाफ हैं वो भी परीक्षा दे रहे हैं और फॉर्म की स्क्रूटनी कर रहे हैं। यानी जो परीक्षा दे रहा है वो फॉर्म की जांच कर रहा है कि सही फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया है। अगर आपको ये भी मजाक नहीं लगता तो मुझे बताइए मजाक क्या है। जेपीएससी जो संस्था है उसमें जो भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और ये सब सारी तरह की बातें आ रही हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये लगातार विगत 5 जेपीएससी से हम लोगों को यही सुनते हम लोग आ रहे हैं। 2015 में मैंने ग्रेजुएशन पास किया और मेरा ये सपना है कि मैं जेपीएससी ज्वाइन करूं, मगर आज 2019 में भी मैं उसी सपने को लेकर संजोए हुआ हूं।
इसके पीछे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग वहाँ कार्यरत हैं वो किस तरीके से परीक्षा दे रहे हैं, जो सचिव थे उनको क्यों 5 दिन पहले हटाया गया, ये सारे तरह का प्रश्न हम लोग के सामने है। हम लोग बिल्कुल जो है 17 तारीख से लगातार आंदोलनरत है और हमारा मानसिक स्थिति इतना अभी मतलब इस तरीके का हो गया कि हम लोग को अगर समझ लीजिए कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समस्या आ रही है छात्रों के साथ, वह एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से भी संबंधित है कि जैसे कि उन्होंने सब्जेक्ट एक यहाँ पर भाषा पढ़ना पड़ता है, तो कोई यदि संस्कृत डाला है तो उसे संथाली दे दिया गया है, किसी ने संथाली डाला है तो उसे इंग्लिश दे दिया गया है, तो अब छात्र करें क्या? इतना दिन तक वो संथाली पढ़ते आए, वो 2 दिन में संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? एक ये बात हो, मैं उन गड़बड़ियों को बिंदुवार आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात ये कि हमारे जो सचिव थे पुराने, जिनको 4 दिन पहले हटा दिया गया, जिनका नाम जगजीत सिंह है, उनके जो पुत्र हैं वो खुद जो है JPSC का मेंस का परीक्षा दे रहे हैं और वो जो है अपनी इस बात को गोपनीय रखे तब तक जब तक जो है मेंस की सारी तैयारी नहीं हो गई, और अचानक से एक जो है लेटर जारी किया जाता है कि हमारे पुत्र जो है इस आयु मतलब मेंस की परीक्षा में बैठ रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को जो है JPSC के कार्यों से अलग रखने का दरख्वास्त करते हैं। अब हमारा जो है सबसे पहला सवाल ये है कि इस तरीके की मामले में पारदर्शिता कहाँ तक रह जाती है, ये बात को वो बता दें। दूसरी बात, अगर सरकार को लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो 4 दिन पहले क्यों तबादला किया गया, ये जो है हम लोग जो है ये भी जानना चाहते हैं, और इस स्तर पर आकर के हम लोगों को ये भी लगता है कि ये पारदर्शिता के साथ जो है छेड़खानी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आदरणीय प्रणब मुखर्जी आपातकाल के समय मंत्री थे इंदिरा गांधी के साथ। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपातकाल में जो लोग मंत्रिमंडल में थे उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। अब ब्रेक के बाद उस भाषण को सुनेंगे जिसका 25 जनवरी की शाम 8 बजे पूरे भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। वो सारा काम छोड़ देते हैं और हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं ये भाषण, आज भी हम लोगों ने दिखाया राष्ट्रपति का भाषण ब्रेक के बाद। यह दिवस लोकतंत्र पर आधारित हमारे गणराज्य के उच्च आदर्शों को याद करने का अवसर है। यह दिवस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का अवसर है, और इन सबसे बढ़कर हमारा गणतंत्र दिवस हम सबके भारतीय होने के गौरव को महसूस करने का भी अवसर है। हमारे गणतंत्र के लिए यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे। गांधी जी ने हम सबको एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने भारत ही नहीं अपितु एशिया, अफ्रीका तथा दुनिया के कई अन्य देशों में साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए लोगों में आत्मविश्वास एवं प्रेरणा का संचार किया और उन्हें आजादी की राह दिखाई। बापू आज भी हमारे गणतंत्र के लिए नैतिकता के प्रकाश पुंज हैं। आज भी उनका जीवन एवं उनकी शिक्षाएं हमारी नीतियों और कार्यकलापों की कसौटी है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उनके आदर्शों को गहराई से समझने, अपनाने और अमल में लाने का अवसर है। गांधी जयंती के कुछ समय बाद 26 नवंबर को हम सब अपने संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। 26 नवंबर 1949 के ऐतिहासिक दिन अपनी संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया तथा स्वयं को समर्पित किया। उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया और भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। हमारा संविधान हमारे गणराज्य की आधारशिला है। यह एक दूरदर्शी और जीवंत दस्तावेज है। उच्च आदर्शों और देश प्रेम से ओतप्रोत संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने इसकी रचना की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रचना के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर का योगदान विशेष रूप से स्मरणीय है। हमारा देश
इस समय एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है। हमारे आज के निर्णय और कार्यकलाप 21वीं सदी के भारत का स्वरूप निर्धारित करेंगे। एकजुट होकर अपने प्रयासों के बल पर इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सबके सामने है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से आज का यह समय हम सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देशवासियों के लिए स्वतंत्र भारत का शुरुआती दौर था। स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों पर चलते हुए हमने आजादी हासिल की। जनता को सर्वोपरि मानने वाले मूल्यों ने हमारे गणतंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वही आदर्श और मूल्य लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था में रचे बसे हैं। हम सभी भारतवासियों को इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने जा रहा है। 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए होने वाले आम चुनाव में हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इस चुनाव के दौरान हम सब अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। यह चुनाव इस मायने में विशेष होगा कि 21वीं सदी में जन्म लेने वाले मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और नई लोकसभा के गठन में अपना योगदान देंगे। यह चुनाव सभी देशवासियों के लिए लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। चुनाव के समय हम सब साझेदारी और समानता पर आधारित समाज की आशाओं और आकांक्षाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हमारे लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदान करना हमारा एक पुनीत कर्तव्य बन जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कर्तव्य का अवश्य पालन करें।